नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में थाना सदर कोतवाली में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर राष्ट्र के विरुद्ध दिए गए बयान के विरोध में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने हेतु शिकायत दी है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में थाना सदर कोतवाली में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर राष्ट्र के विरुद्ध दिए गए बयान के विरोध में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने हेतु शिकायत दी है। अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने की चेष्टा के साथ संविधान प्रदत्त आरक्षण को हटाने की बात कहकर समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास कर देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास किया है। वह सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी व कड़ा को लेकर अमर्यादित व अप्रासंगिक टिप्पणी कर देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया है, जो भारतीय न्याय संहिता की श्रेणी में अपराध के रूप में परिभाषित है। इस हेतु पार्टी द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश जी केची द्वारा और पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से हमने एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। और ये FIR दर्ज कराने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से शुरू से हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता इस देश को लेकर के, इस राष्ट्र को लेकर के जिस प्रकार से विश्व वमन करते हैं, और विशेष रूप से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है और सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता है, वो विदेश में जाकर के सदैव से भारत के और इस देश के खिलाफ हमेशा से भ्रामक और झूठ बातें बोल करके इस देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया है। अभी विगत दिनों जब अमेरिका गए तो अमेरिका जाकर के उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर हमारा जो चीन देश है उसकी बढ़ाई करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए और भारत के स्किल्स पर, प्रतिभाओं पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि भारत के अंदर प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिलता। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 17,000 करोड़ इस देश से जो है निर्यात का मूल्यांकन था। वर्तमान में इस देश के अंदर 75,000 करोड़ का निर्यात इस देश के माध्यम से होता है, मुझे शायद जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बात वहाँ पर झूठी जाकर के बोली। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ जाकर के हमारे संविधान के प्रदत्त जो आरक्षण हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं और OBC वालों को मिला हुआ है, सदैव से भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार से संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश में अमेरिका जाकर के ये बात कहते हैं कि यदि सबको समान अवसर मिला तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के संविधान के साथ, संविधान की हत्या करने का जो एक बयान वहाँ पर उन्होंने दिया, निश्चित रूप से एक ऑफेंस की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से उन्होंने हमारे सिख धर्म के जो बंधु हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवाल या प्रश्न लगा दिया कि उन्होंने वहाँ पर जाकर के टेक्सास के अंदर बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात कही और वहाँ कहा कि भारत के अंदर सिख समाज के लोगों को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति नहीं है, उनको अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि इस देश में हमारे बीच में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के तेजपाल जी सानी आपके सामने खड़े हैं, पगड़ी भी धारण किए हुए और कड़ा भी धारण किए हुए। इस देश के अंदर सदैव सभी धर्मों का सम्मान हम करते आए हैं, लेकिन उन्होंने इस देश के इन धर्मों का वहाँ पर जाकर के अनादर किया, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। और इसी प्रकार से वहाँ जाकर के उन्होंने जो है भारत के जो विरोधी सांसद है इलहान उमर, उनके साथ वहाँ पर जाकर के जिन्होंने वहाँ पर उनसे वार्ता की, उनसे भेंट की, ये वो सांसद है अमेरिका के जिन्होंने सीनेट के अंदर जब मोदी जी का भाषण था तो उसका बहिष्कार किया। उन्होंने धारा 370 और खालिस्तान और POK को अलग देश बनाने की मांग की। ऐसे सांसद इलहान उमर के साथ वो जाकर के भेंट करते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस राष्ट्र के जो विरोधी लोग हैं उनको प्रशय देने का काम इस देश के अंदर अलग से खालिस्तान और अलग से पाकिस्तान के बनाने की जो शह देने वाले लोग हैं उनके साथ वो जाकर के मित्रता और भेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से सब जो चीजें हैं। अजमेर शहर में अमृत योजना 2 के तहत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में डाली जा रही सीवर लाइन का विरोध शुरू हो गया है।
दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 जोन्सगंज राजीव गांधी कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए सीवर लाइन खुदाई पर पहुंची जेसीबी को वापस लौटा दिया। अजमेर शहर में अमृत योजना 2 के तहत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में डाली जा रही सीवर लाइन का विरोध शुरू हो गया है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 जोन्सगंज राजीव गांधी कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए सीवर लाइन की खुदाई करने पहुंची जेसीबी को वापस लौटा दिया। क्षेत्रीय पार्षद नीतू मिश्रा के पति अधिवक्ता रंजन शर्मा ने भी सिविल लाइन खुदाई का विरोध दर्ज करवाया। अधिवक्ता ने कहा कि अमृत योजना 2 के तहत डाली जा रही सिविल लाइन में कई अनियमितताएं सामने आ रही है, जिसके चलते भविष्य में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्षेत्रवासियों ने कहा कि उनके क्षेत्र में और कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं है, अगर सिविल लाइन डाल दी जाती है तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसी विरोध के चलते क्षेत्रवासियों ने खुदाई करने पहुंची जेसीबी को तुरंत रोका। रुकवा कर लौटा दिया। वार्ड नंबर 41 में आम जनता का ये रुख है कि यहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं डलनी चाहिए। एज एन एडवोकेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे अजमेर में जो सीवरेज लाइन का होल डाला गया है, कई जगह हमारे यहाँ इतनी छोटे छोटे होल डाले जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार से भी अनुशंसा करूँगा, नगर निगम से भी प्रार्थना करूँगा कि वह इसकी नई DPR बनवाएं। अगर उनको सीवरेज डालनी है तो कम से कम 20-25-30 सालों की लंबी सीवरेज डाली जाए, जिससे कि आमजन परेशान नहीं हो। क्योंकि कई जगह जहाँ जहाँ सीवरेज डली है वहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है बेसिक कि उनके जो सफाई होती है वहाँ पर वो बैक में पानी मारता है और वो सीवरेज का सिस्टम हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है। जयपुर की तर्ज पर हमारे यहाँ सीवरेज लाया गया, लेकिन जयपुर में हर चौराहे के ऊपर सीवरेज के ऑफिसेज बने हुए हैं। कोई भी इनिशियल कोई जरूरत होती है तो वो तुरंत वहां पहुंच के उसका समाधान करते हैं। हमारे यहाँ सीवरेज का एक ही प्लांट है, अगर एक एक दो दिन हमारे जहां हम शौचालय के लिए जाते हैं अगर वे खराब रहेंगे तो पूरा घर दो दो तीन तीन दिन तक सड़ेगा। सीवरेज के सिस्टम जो सीवरेज साफ करने वाले आते हैं वो एक एक दो दो तीन तीन दिन में पहुंचते हैं, और पाइप की नो डाउट बहुत छोटी साइज है। मैं सरकार से, क्षेत्रीय पार्षद से, सभी से आग्रह करता हूं कि इसकी पुनः DPR बना के पुनः राज्य सरकार को प्रेषित करें, जिससे कि ये खाका जो बने वो 30-40-50 वर्षों का लंबा बने, जैसे कि हम लोग अमूमन बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते हैं। नरसिंहपुरा राजीव गांधी कॉलोनी, हमारे सीवरेज लाइन नहीं डलवानी है क्योंकि सीवरेज लाइन की हमारे यहाँ कहीं रास्ता नहीं है। हमारे पूरे दोनों गलियों का पानी खेतों में जा रहा है, उधर से वो कभी भी चाहे वो खेत वाला अपनी नालियाँ बंद कर सकता है, तो हमारा इसलिए सीवरेज लाइन नहीं डलवानी। सीवरेज लाइन क्योंकि जब भर जाती है, आगे रास्ता भी तो होना चाहिए जाने का, पानी का निकासी भी तो होनी चाहिए, वहाँ पानी की निकासी है ही नहीं है जाने की। कब से काम आ रही है जेसीबी यहाँ पर? हमने तो आज 2 दिन से देख रहे हैं। हम तो आज क्या किया आप लोग? पंचकुंड रोड पर 12 फीट लंबे अजगर को रेंगता देखकर क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। 12 फीट लंबा अजगर करीब 30 किलो वजनी था। राह चलते जिस किसी ने भी अजगर को देखा, भारी भरकम लंबे चौड़े अजगर को सड़क पर देखकर दहशत में आ गया। पुष्कर के पचकुंड रोड पर 12 फीट लंबे अजगर को रेंगता देखकर क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। 12 फीट लंबा अजगर करीब 30 किलो वजनी था। राह चलते जिस किसी ने अजगर को देखा, भारी भरकम लंबे चौड़े अजगर को सड़क पर देखकर दहशत में आ गया। पचकुंड रोड निवासी सिलोन सोनी ने इसकी सूचना पुष्कर में लंबे समय से सांपों की जान बचाने वाली टीम पुलिस मित्र को दी, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्चानी, सावरा शर्मा बिना समय गवाए मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा कि अजगर बिजली की DP से लिपटकर DP पर चढ़ना चाह रहा है। 12 फीट लंबे अजगर को तुरंत ही पकड़कर मौके पर मौजूद भारी भीड़ को अजगर के स्वभाव के बारे में जानकारी देकर भयमुक्त किया गया। अजगर के रेस्क्यू के दौरान विशालकाय अजगर ने दोबारा पुलिस मित्र टीम के रेस्क्यूअर पर हमला करने की कोशिश भी की, परंतु टीम के सैकेशल रेस्क्यूअर ने बड़ी ही सावधानी से अजगर को सुरक्षित पकड़कर क्षेत्रवासियों को डर से दूर किया, जिस पर सभी ने तालियां बजाकर पुलिस मित्र टीम के मेंबरों और टीम का आभार व्यक्त किया। पचकुंड रोड पर करीब 12 फीट लंबे अजगर को देखकर क्षेत्रवासियों में दहशत व्याप्त हो गई थी, और वहीं के एक निवासी सिलोन सोनी ने फोन करके पुलिस मित्र टीम को सूचना दी थी कि 12 फीट करीब लंबा एक अजगर सड़क पर टहल रहा है और क्षेत्रवासियों में दहशत है। सूचना पर तुरंत पुलिस मित्र टीम मौके पर पहुंचे और 5 मिनट में उस भारी भरकम करीब 30 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू करके क्षेत्रवासियों को विस्तार से अजगर के व्यवहार और स्वभाव के बारे में जानकारी देकर भयमुक्त किया और बाद में उसे जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। अमित भट्ट, इंचार्ज पुलिस मित्र टीम पुष्कर। भैया हम अभी शाम को खाना खा के बाहर निकले थे अपने घर के बाहर से, तो हमने रोड पे बड़ा अजगर देखा था, तो हमने पुलिस मित्र टीम को फोन किया, वो बड़े इमीडिएट उसको रेस्क्यू किया बड़ा सेफ तरीके से,
अभी इसको पकड़ लिया है तो थोड़ा यहाँ अच्छा सा माहौल हो गया, बाकी सब जने दहशत में आ गए उसको देख के। और हम बहुत बहुत धन्यवाद मित्र टीम का करना चाहते हैं। खबरों के सफर में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। दिनों अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश का कहर अब भी आम जन के लिए जानलेवा बना हुआ है। अंदरकोट क्षेत्र में पहाड़ों से बहते नाले और पिछले एक महीने से जानलेवा काई भराव से आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश का कहर अब भी आम जन के लिए जानलेवा बना हुआ है। अंदरकोट क्षेत्र में पहाड़ों से बहने वाले नाले और पिछले एक महीने से जानलेवा काई भराव से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राहगीरों से लेकर आस पड़ोस के लोग 3 फीट पानी के भराव से होकर ही खाने पीने का सामान और स्कूली बच्चों को छोड़ने आते जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जल भराव की निकासी के लिए जिला प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है, ना ही एक बार भी इस क्षेत्र में आकर स्थिति को देखा है। ऐसे में अब जल भराव कई बीमारियों को भी न्योता दे रहा है, तो आमजन की जान पर भी हर वक्त आफत बनी रहती है। अंदरकोट तारागढ़ पहाड़ी पर जायरीन के आने जाने का यही रास्ता है। ऐसे में अगर किसी जायरीन श्रद्धालुओं के साथ कोई बड़ी घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में नगर निगम, जिला प्रशासन समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ये पानी भर जाता है, ये आने जाने के लिए मेहमान भी परेशान हो जाते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, ये इधर आते हैं, ये सब आते हैं। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी के द्वारा छावनी परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कस्बे के वार्ड नंबर 6 काली माई रोड पर मंच लगाकर जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद के द्वारा छावनी परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नसीराबाद कस्बे के वार्ड नंबर 6 काली माई रोड पर मंच लगाकर जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नसीराबाद छावनी परिषद के अभी तक के इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब किसी अधिशासी अधिकारी ने खुले रूप से जनसंवाद किया। इस जनसंवाद के पीछे मुख्य अधिशासी अधिकारी की एक ही मंशा है कि नसीराबाद छावनी क्षेत्र के विकास को गति मिले। छावनी परिषद के अभी तक के इतिहास में ऐसा किसी भी अधिशासी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, परंतु वर्तमान अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितेश कुमार गुप्ता ने प्रत्येक वार्ड में जाकर जनसंवाद करने की जो पहल की है वह निश्चित रूप से नसीराबाद के भौगोलिक विकास में सहायक साबित होगी। डॉक्टर नितेश कुमार गुप्ता के इस प्रयास पर वार्ड संख्या 6 के निवासियों ने उनके इस प्रयास की बहुत तारीफ की और उन्हें पूर्ण सहयोग देने के लिए आश्वस्त भी किया। वार्ड नंबर 6 में एक तो आपने जीवत राम की गली के पास ब्लॉक टाइल लगाने की बात करी है, रामदेव मंदिर के पास ब्लॉक टाइल लगाई है, स्ट्रीट लाइट का इश्यू आपने बनाया, गणेश चौराहे के पास रोड की समस्या बताई गई है, यूरिनल यहाँ बनाने की बात करी है, पलसानी रोड की समस्या जो कि हम सर्वे कराएंगे, मुकेरिया मोहल्ला के पास पानी की समस्या बारिश के बाद आ जाती है तो उसको मैं अभी जाके व्यक्तिगत तौर पे देखता हूँ, काली माई के ऊपर डस्टबिन का कुछ आपने बताया है उसका भी देखते हैं, काली माई रोड के पास पानी की समस्या जहाँ पे लीकेज आप कह रहे हो इसी रोड पे तो उसका देखते हैं, और बाबू मोहल्ला में पब्लिक टॉयलेट का समस्या है, महादेव मोहल्ला की टॉयलेट को 2-2 करके रिड्यूस करना है, तेली मोहल्ला में सामुदायिक भवन की रिपेयर का एक बताया गया है, मशी मोहल्ला में गड्ढे की समस्या बताई गई है, नेताजी रोड को उसकी कुछ समस्या उसको मैं सिर्फ रिपेयर करा सकता हूँ, उसको सीसी नहीं बन पाएगी, कुमार मोहल्ला की गली गणेश चौराहे पे भी 2+2 टॉयलेट की बात आपको बोला मैंने, सरस्वती स्कूल के सामने ब्लॉक टाइल
तेली मोहल्ला में का गली का इशू है, कार मोहल्ला में पानी जम जाता है, उसमें रिपेयर जो भी होगा। तो ये मेरे को लगता है प्रमुख समस्या जो मैंने नोट करी हैं, आपने ये ही बताई हैं, आप इससे कुछ। और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी साथ दीजिए, ऐसा ना हो कि आप समस्या बता दें और आपको दो कदम चलने के लिए हम बोलें तो आप वो भी ना चल पाए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ चलें, आपको भी समस्या जमीनी हकीकत पे पता लगेगी और तुरंत हम आपको जो बोलेंगे, मैं सारा स्टाफ साथ लेके चल रहा हूँ, वो स्टाफ जो बोलेगा कि सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आप में से पटेल गार्डन को जाता है? पटेल गार्डन, डीएवी स्कूल, पटेल को भी अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से चोरी की गई चेन भी बरामद कर ली है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक उत्तर रुद्र प्रकाश द्वारा किया गया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की गई चेन भी बरामद कर ली है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस उपाधीक्षक उत्तर रुद्र प्रकाश ने बताया कि शास्त्री नगर के रहने वाली स्नेहा अग्रवाल ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई कि वह शुक्रवार को बाजार खरीदारी करने आई थी। इसी दौरान कोतवाली थाने के नजदीक दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी चलती हुई स्कूटी पर झपट्टा मारते हुए चेन तोड़ ली। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुलिस को भी पीछे लगाया। कुछ ही घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से स्नेचिंग में शामिल मोटरसाइकिल जब्त की गई है और चेन भी बरामद कर ली है। ये आरोपी रामगंज थाना क्षेत्र निवासी आजाद बंजारा और दूसरा मनीष बंजारा गुलाबपुरा विजयनगर का रहने वाला है। आरोपियों से गहनता से पड़ताल की जा रही है। इन्होंने कहां कहां वारदात को अंजाम दिया है, इसे लेकर पूछताछ कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। शाम को 7:10 पे परिवादिया स्नेहा अग्रवाल ने लिखित में एक रिपोर्ट दी थाना कोतवाली के अंदर कि अज्ञात दो लड़के जो है वो मोटरसाइकिल पे आके और उन्होंने चलती स्कूटी पर उनकी गले की चैन जो है वो स्नैच कर ली। जैसे ही सूचना मिली, सूचना मिलते ही तत्काल जो है थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने जो है वो उनकी पता न केवल पता लगाया बल्कि उनसे जो मोटरसाइकिल जो वारदात में मोटरसाइकिल यूज़ की वो भी रिकवर की और जो चेन स्नैच की गई थी वो भी इसमें रिकवर की। इसमें जो है दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक है आज़ाद पुत्र सरजीत, उम्र 22 साल, जाति सिंगी वाला बंजारा, निवासी लाला भाई का मकान, थाना इसमें रामगंज। और दूसरा आरोपी इसमें है मनीष उर्फ राजवीर पुत्र किशोर, उम्र 22 साल, जाति सिंगीवाल बंजारा, निवासी कच्ची रोड कालिका माता के मंदिर के पास खारी का लंबा, पुलिस थाना गुलाबपुरा विजयनगर भी। खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।